AIMIM क्या बीजेपी की बी टीम? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। और ऐसा ही कुछ गोपालगंज में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल गोपालगंज में बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी चुनाव जीती। सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने यहां पर महज 1700 कुछ मतों से ही चुनाव में जीत हासिल की। इतने कम मतों का यहां पर अंतर रहा आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से। आरजेडी ने यहां एक्सपेरिमेंट किया था और वैसे समुदाय के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन AIMIM ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार दिया और AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 मत मिले और जीत का अंतर महज 1700 वोटों का, या यूं कहिए कि 1800 वोटों का। तो क्या ये माना जाए कि AIMIM ने यहां पर आरजेडी का खेल खराब कर दिया, या कुल मिलाकर कहें तो जिस MY समीकरण के बदौलत आरजेडी को ये लगता था, या तेजस्वी यादव को ये लगता था कि गोपालगंज में वो A to Z का फॉर्मूला सेट कर देंगे और बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर एक नया समीकरण साध लेंगे, उसे AIMIM के कैंडिडेट अब्दुल सलाम ने बिगाड़ दिया। 12,214 वोट अब्दुल सलाम को। अब्दुल सलाम से जब बातचीत की गई, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर इस चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार किया गया, उन्हें रोका गया। लेकिन अगर आप नतीजों को का विश्लेषण करें और प्राप्त मतों को देखें तो कुसुम देवी को 70,053 मत मिलते हैं और मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 और अब्दुल सलाम यहां पर 12,214 वोट लाने में सफल हो जाते हैं। और जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी इंदिरा देवी की, वो चौथे नंबर पर 8,854 मत ही उन्हें प्राप्त होता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आरजेडी का पूरा खेल AIMIM ने ही खराब किया और विपक्ष जो आरोप लगाती रही है AIMIM पर कि वो बीजेपी की कोर टीम रही है और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर वो बीजेपी को चुनाव जिताती है, तो क्या गोपालगंज में भी ऐसा ही हुआ है? ये अब एक बड़ा सवाल उठता है गोपालगंज के नतीजे के आने के बाद कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार की वजह से ही बीजेपी की गोपालगंज में जीत हुई। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही उपचुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप बिहार तक पर देख सकते हैं।